बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा गौड़वाना सामुदायिक भवन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बैहर को जिला बनाने के लिए जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा कहा गया कि अगर बैहर को सितंबर 2023 तक जिला का दर्जा सरकार के द्वारा नहीं मिलता है तो बैहर बिरसा एवं परसवाड़ा तहसील के आम मतदाताओं के द्वारा विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने को लेकर अनुविभागीय अधिकारी बैहर को केंद्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला बनाओ संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष मनसाराम मडावी के द्वारा कहा गया कि बैहर 155 वर्ष पुरानी तहसील है तथा यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यह तहसील अति पिछड़े एवं नक्सलाइट क्षेत्र है। यह क्षेत्र जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है और बैहर के अंतिम गांव की दूरी लगभग 165 किलोमीटर है तथा बैहर को जिला बनाना अति आवश्यक है, जिसमें यहाँ पर निवासरत अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़े बेगा जनजातियों को फायदा मिले तथा संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो सके। दे रहे हैं आज बैहर जिला बनाने के संबंध में हम लोगों ने आज एक बैठक गोंडवाना कॉम्प्लेक्स बैहर में लिया और बैठक लेने का उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार बैहर से भी छोटी छोटी तहसीलों को जिला बनाने का काम कर रही है। जैसे पांडुना एक तहसील और एक उप तहसील को मिलाकर जिला बनाया गया, जबकि बैहर में तीन तहसील, तीन उप तहसील, 175 ग्राम पंचायत, दो नगर पालिका, तीन जनपद, दो विधानसभा होने के बाद भी और 10 लाख जनसंख्या होने के बाद भी बैहर को जिला बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। इसलिए आज हम बैठक लेके एक ठोस निर्णय लिए हैं कि यदि सितंबर में मध्य प्रदेश सरकार बैहर को जिला नहीं बनाती तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वो बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, संपूर्ण क्षेत्र में जो बैहर जिले के अंतर्गत आते हैं जितने भी बूथ, वो सभी बूथों में चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 23 सितंबर को संपूर्ण क्षेत्र बंद रहेगा बैहर को जिला बनाने के उद्देश्य को लेकर। क्या नाम लिखते हैं? सूरज ब्रह्म में संयोजक।